हेलो फ्रेंड्स, आज जमाना बदल चुका है। कुछ भाव लेकर आई हूँ आपके लिए, सुनिएगा। शीर्षक है कलयुग की राधा। तुम कलयुग की राधा हो, तुम पूज्य ना हो पाओगी। कितना भी नैतिक प्रेम हो, कर्तव्य परायण हो, तुम फिर भी हर पैमाने पर नाप दी जाओगी। तुम कलयुग की राधा हो, तुमको समझे कोई ऐसा मित्र ढूंढोगी, लेकिन अपने दम भरने वालों में भी कोई ना मिलेगा। सब दिखावे का प्रेम देंगे, तुम्हारे दिल को समझेंगे भी, दिल को सुकून देने जैसा लेकिन कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि सभी तुमसे पहले खुद से प्रेम करते हैं। तुम खुद को सबके लिए सौंप दोगी, पूर्ण समर्पित होकर भी तुम राधा ही रहोगी। तुम्हारे लिए कोई अपना सुख नहीं छोड़ेगा। पुरुष किसी भी युग के हों, हैं तो पुरुष ही, अतः सम्माननीय है। तुम ठहरी स्त्री, खुद को सुंदर बनाकर सेवा देने वाली बिना दिल की गुड़िया। जब जब दिल की बात कहोगी, सब मूक दर्शक बन ज्ञान देंगे और अंत में तुम ही हीन कहलाओगी। तुम कलयुग की राधा हो। तुम सदा ना उस युग में पूजे थी, ना ही इस युग में पूजे हो। शायद आने वाले युग में भी राधा होने ही हो। तुम सदा विकल्प ही रहोगी, प्राथमिकता कभी ना हो पाओगी। तुम कलयुग की राधा हो। एक पुरुष होकर जो स्त्री की मित्रता, दिल की पीड़ा, भाव समझे और नारी को सुख व इज्जत दिलवाए, निस्वार्थ प्रेम से उसे पोषित करे, अपने हृदय में रखे, ऐसा मित्र कहाँ से लाओगी? वो कृष्ण अब कहाँ से लाओगी? ये कलयुग है और तुम कलयुग की राधा हो। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, ढोर गंवार शूद्र पशुनारी, सकलंतार ना के अधिकारी। ये आज सत्यार्थ हो गया है। इसलिए तुम कलयुग की राधा हो, तुम पूज्य कभी ना हो पाओगी। थैंक यू।